नमस्कार आदर इंडिया टर्मिनल का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज नाउ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर डीसीएम पलटा। डीसीएम ने निकली अवैध रूप से हरियाणा की बनी हुई शराब। बांगरमऊ लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर लेकर जा रही अवैध शराब भरी डीसीएम पलटी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर बनी हवाई पट्टी पर एक डीसीएम पलट गई, जिस पर डीसीएम में टेंट का सामान लदा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब डीसीएम को सीधा किया तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब टेंट का सामान निकाल कर देखा तो उसमें एक बॉक्स बना हुआ था, जिसमें हरियाणा की बनी हुई शराब लगभग 150 पेटी लगी थी। पुलिस गाड़ी को सीधा कारागार बांगरमऊ कोतवाली लेकर गई और पुलिस ने उस बॉक्स को उतरवा कर देखा तो उसमें 150 पेटी हरियाणा की बनी हुई शराब निकली। आपके यहाँ कितनी पकड़ी गई, कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये टाटा 407 थी, इसका नंबर UP 64T 2928, ये आगरा की ओर से लखनऊ जा रही थी और पुलिस के उससे डर से ये वहाँ एक्सप्रेस वे पर भागा तो खमौली गांव के पास 244 किलोमीटर पे डिवाइडर से टकरा गई। चालक उतर के भाग गया। जब इसमें देखा गया तो इसमें टेंट का सामान वो था। जब इसको खोल के अंदर देखा गया तो इसके अंदर एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, तो उसमें संदिग्ध लगा। जब इसको लेके तोड़ा गया, देखा गया तो इसमें अंदर शराब भरी हुई थी। सर, कहीं ना कहीं क्या कोई सूचना आपको मिली थी या पीछा करते हुए आप भागे? सूचना चूँकि चेकिंग चल रही इस समय पुलिस की, तो उसमें देख के भागा तो संदिग्ध उसमें वहाँ तक आया, देखा गया उसको। जब पहले रोका गया तो कितने पेटी सर बरामद हुई? इसमें लगभग कई इसमें ब्रांड है। अब ये उसमें हरियाणा की जो ये बनी हुई है और इसमें एक ऑफिसर्स चॉइस है, मैकडॉल के हैं कुछ 180 मिलीलीटर के, जो क्वार्टर हैं 350 मिलीलीटर के हैं। इस तरह लगभग ये 150 पेटी इसमें पाई गई।